सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एआई पर चर्चा। सो आज मैं आपके लिए एक ऐसा एआई टूल लेके आया हूँ जो कि ऑल इन वन है। इसकी हेल्प से आप ना केवल वीडियो एडिटिंग के जो कई सारे काम होते हैं वो कर पाएंगे, बल्कि आप इसकी हेल्प से एआई इमेजेस भी जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना दोस्तों, अब आपको अपनी वीडियो एडिटिंग के लिए जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एआई टूल्स का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब ये सिंगल ऐप जिसका नाम है क्लिप ड्रॉप, इसकी हेल्प से आप जो है वो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे कि आप अपनी इमेज से कोई भी अनवांटेड ऑब्जेक्ट हटाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, आपकी इमेजेस में लाइटिंग सही नहीं है आप उसको यहां से आप देख सकते हैं सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी आपकी अपनी इमेजेस को आप स्केल कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें हैं यहाँ से आप देखिए इमेजेस भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा स्टेबल डिफ्यूजन का मॉडल ये लोग यूज करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त ये टूल है हमारे लिए। यहाँ से आप देखिए कि आपकी इमेजेस में कोई भी टेक्स्ट होगा अगर, ठीक है ना, आप उसको हटाना चाहते हैं तो ये टूल कितना ईजी है, टेक्स्ट रिमूवर, सिंपल आपको इमेज डालनी है और सारा का सारा टेक्स्ट जो है उसमें से हट जाएगा, ठीक है। और अभी तक आपने क्रॉप तो सुना होगा, बट यहाँ पर जो है ये टूल आपको अनक्रॉप करने का भी जो है ऑप्शन देता है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके सारी चीजें जो है वो बताता हूँ कि कैसे आप इसकी हेल्प से जो है वो अपनी वीडियो एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद वीडियो। तो सबसे पहले चलिए हम चलते हैं लेट्स से क्लीन अप पे। अगर कोई आप आपकी इमेज है और उसमें से, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना होगा, फिर आपको जो भी आपकी इमेज है जिसपे आप जो है कोई चीज हटाना चाहते हैं अनवांटेड ऑब्जेक्ट, तो जैसे लेट्स से मैंने इस इमेज को लिया, ठीक है ना, यहाँ से मैंने इस इमेज को ले लिया और अब मुझे जो है इस बंदे के हाथ से जो है इस अदर बैग को गायब करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपने देखा ये ब्रश का साइज है आपका, और अभी जो ये ब्रश साइज है ये मेरे लिए परफेक्ट है, तो मैंने इसको यहाँ से ऐसे कर लिया, ठीक है ना, इसको मैंने यहाँ से हाईलाइट कर दिया। इसके बाद आपको अगर ब्रश साइज जो है छोटा करना तो आप इसको ऐसे नीचे ले आएंगे, फिर आप देखिए यहाँ से मैंने इसको फिर से एक बार जो है वो इतना करा और फिर ये देखिए ये नीचे वाला पोर्शन में मैंने कवर कर दिया। और दैट्स इट दोस्तों, यहाँ से मैंने इस पर क्लीन पे क्लिक करा, थोड़ा सा आप मैंने इसको जल्दबाजी में किया हुआ, आप इसको और अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है, और एक बार देखते हैं कि कैसे ये हमारे लिए इमेजेस कैसी बनाता है। तो देखिए ये दोस्तों, देखा आपने पूरी अच्छी तरीके से बैट जो है वो यहाँ से गायब हो गया है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर कुछ था भी, ठीक है ना। चलिए मैं आपको दूसरे ऑप्शन दिखाता हूँ इसी तरीके से। लेट्स से आपको अगर बैकग्राउंड रिमूवर, तो आई गेस बहुत ही कॉमन चीज है, वो कहीं पे भी आप कर सकते हैं। लेट्स से अगर हम लाइटिंग में चलते हैं, ठीक है ना, तो अगर आपकी कोई भी इमेजेस इमेज है मान लीजिए, तो आप उसको सबसे पहले यहाँ से इस पे अपलोड कर दीजिए, ठीक है ना। जो भी आपकी बैक, जैसे मान लो ये इमेज अगर हम लेते हैं, ये ठीक है लेते हैं, थोड़ा सा ये कम लाइट में है, ठीक है ना, यहाँ से हमने डाउन स्केल इस पे करा, तो देखिए ये आपकी इमेज को प्रोसेस कर रहा है। एक बार ये प्रोसेस कर ले फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए अभी ये इमेज पे कितना अंधेरा सा लग रहा है, ठीक है ना, क्लियर नहीं दिख रही है पिक्चर। अभी आप अगर चाहते हैं कि ये आपकी इमेज में थोड़ी लाइटिंग हो, तो देखिए ये सबसे पहली लाइट है, आपने यहाँ पर आप जहाँ पर आप चाहते हैं लाइटिंग लाना वहाँ पर आपने इसको रखा, और यहाँ से आप देखिए इमेज की लाइटिंग को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए ये हल्का सा ग्रीनिश व्यू दे रहा है, ठीक है ना, आपको समझना पड़ता है कि आपको किस चीज की जरूरत है। तो यहाँ पे लेट्स से फेस पे ग्रीनिश व्यू का कोई फायदा नहीं है, तो हम चलते हैं लाइट टू पे। देखिए यहाँ पे हमें लाइट टू पे जो है ये ब्लूइश दे रहा है, लाइट थ्री पे हम गए तो ये रेडिश दे रहा है। तो इस तरीके से आपको जो है वो कॉम्बिनेशन आप बनाते जब देखेंगे, तो एक बार देखिए ये अगर यहाँ पर है, तो मैं इसको सबसे पहले यहाँ पर लेके आया, ठीक है, जहाँ पर मुझे लाइटिंग बढ़ानी है। अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा थोड़ा बढ़ाता हूँ, ठीक है, ये देखिए ये अब लाइट देखिए आप देख सकते होंगे चेहरे पे जो है वो लाइट आ रही है, ठीक है ना, इसको मैंने इतना एडजस्ट कर लिया। अब मैं लाइट थ्री पे गया, फिर मैंने यहाँ ये देखिए रेड वाला जो पोर्शन है मुझे यहाँ पर इस जो लेडी है इनके फेस पे मैं लेके आया, और यहाँ पर मैंने इस लाइट को थोड़ा सा बढ़ाया, तो आप देखिए पूरी लाइटिंग जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, और आप जब एक बार अपनी इमेज को सही से सेटल कर लें उसके बाद आप यहाँ सिंपली डाउनलोड बटन पर क्लिक करके अपनी इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे टूल की तरफ, और अब हम यूज करने वाले हैं स्टेबल डिफ्यूजन का जो मॉडल है, ठीक है ना, जहाँ से आप इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको लेट्स से चाहिए मुझे, यहाँ पर सिंपल सा इंटरफेस है, जो भी आपको आपके दिमाग में आ रहा हो आइडिया आपने यहाँ पर लिखना है। लेट्स से मुझे एक डॉग चाहिए वियरिंग कॉर्पोरेट ड्रेस, ठीक है ना, और यहाँ पर कॉर्पोरेट ड्रेस में जो एक डॉग चाहिए वर्किंग ऑन द लैपटॉप में भी, ठीक है, ये मैंने यहाँ से लिखा और मैंने यहाँ से सिंपली जनरेट पे क्लिक कर दिया, और ये देख सकते हैं आपकी चार इमेजेस जो है वो जनरेट होने लगी है, ठीक है ना। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारी इमेजेस बनके जनरेट हो गई हैं, और कितनी प्यारी इमेजेस हैं। आप देख सकते हैं कि जो जो चीजें हमने बोली थी कि हमको एक डॉग चाहिए जो कि लैपटॉप पे काम कर रहा हो, कॉर्पोरेट ड्रेस पहना हुआ हो, तो सारी चीजें जो है यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है ना। ये तो मैंने बहुत ही बेसिक सा कमांड दिया था, आप अच्छे कमांड दे करके अपनी इमेजेस क्वालिटी जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ, एक मिनट या तो अभी हम चलेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो
टेक्स्ट रिमूवर का, या तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ अनड्रॉप का, सॉरी अनक्रॉप का। तो ये मुझे बहुत ही पसंद आया इसका फीचर। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे ये है, ठीक है ना, मैंने अपने जो कोई भी इमेज जो मुझे अनक्रॉप करनी है, ठीक है ना, आप ये क्रॉप तो सबने सुना होगा, बट अनक्रॉप का ये ऑप्शन जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो लेट्स से आप यहाँ से कोई भी इमेज ले लेते हैं, ठीक है ना, लेट्स से मैंने ये इमेज ले ली, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देखिए इसका साइज यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी ये जो इमेज थी वो स्क्वायर शेप में थी, बट मुझे से यूट्यूब साइज में चाहिए थी 9x16 या फिर 16x9 टाइप में, ठीक है ना। तो मैंने अभी यहाँ पर जो है वो 16x9 चुना हुआ है। और अब मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपली मुझे यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है और इसने मेरी इमेज पे प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया है। ये पूरी इमेज को स्टडी करेगा और उसके बेसिस पे जो है वो इसमें कुछ एड ऑन्स डालेगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों कितना जबरदस्त इसने जो है हमारे लिए इमेजेस को बना दिया है। यहाँ पे सिर्फ दो बंदे थे वो चार बंदे हो गए हैं और कई सारे ऑप्शन देता है। यहाँ पर देखिए तीन बंदे आपको दिख रहे हैं और पीछे देखिए इतना अच्छा बैकग्राउंड इसने लगा दिया है, सेम उसी मॉडल में जैसे ये एनिमेटेड टाइप था हमारी इमेज, वैसे ही इसने बना दिया है। यहाँ से आप देखिए, ये बहुत ही कमाल का टूल है और आई होप आपको पसंद आया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ जिसका नाम है हमारा टेक्स्ट रिमूवर, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें जो भी इमेज जिसमें से हम टेक्स्ट रिमूव करना चाहते हैं वो मुझे यहाँ पर पुट इन करनी होगी। तो यहाँ से मैं एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स से ये इमेज मैं जैसे यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है ना, और मैंने यहाँ से कॉन्टिन्यू इस पे किया और अभी देखते हैं कि क्या ये हमारे टेक्स्ट को हटा पाता है या नहीं। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। और देखिए ये काम कर रहा है इस पे। और तो देखिए दोस्तों कितना सही इसने सारा जितना भी टेक्स्ट इसमें था उन चीजों को हटा दिया है। सो दिस इज अमेजिंग, रियली अमेजिंग। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ जो कि हमारा लास्ट टूल है और इसका नाम है हमारा रीइमेजिन डॉट एक्सेल, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है वो स्टेबल डिफ्यूजन की हेल्प से आपने लेट्स से कोई इमेज बनाई हुई है तो आप उसके अगर रीइमेजिन करना चाहते हो, ठीक है ना, आपके पास कोई इमेज आप वैसे ही सिमिलर इमेजेस चाहते हो, तो उस केस में हम इसका मॉडल इस मॉडल का यूज करते हैं, रीइमेजिन जिसको हम बोलते हैं। तो लेट्स से जैसे मान लीजिए मैं कोई पिक्चर ले लेता हूँ, ठीक है ना, चलिए इस इमेज को लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो देखिए ये इमेज मैंने डाल दी, मुझे ये इमेज बहुत पसंद थी, मुझे ऐसी और इमेज चाहिए, मैंने सिंपली इसमें यहाँ पर इसको डाला और अब आप देखिए इसने चार और ऐसी इमेजेस बनाने पे जो है वो काम करना स्टार्ट कर दिया है। और देखिए कितनी प्यारी इमेजेस जो है सेम वैसे ही पैटर्न में कलर्स पे वैसे ही इसने बनाना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस एआई टूल और आप भी अब अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं अपनी वीडियो एडिटिंग के लिए, मे बी अपनी इमेज जनरेशन के लिए। और सो आई होप आपको ये टूल पसंद आया होगा और अब आप भी जाइए और इस टूल को थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए, इससे आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। और अगर आपके लिए वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल होती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।